नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्रेकिंग, ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कुछ उपाय, रेमेडीज आपके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ, जिससे धन की जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं, पैसों की तंगी है, कारोबार में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी नहीं हो रही, वो कहीं ना कहीं सॉल्व होती चली जाए। अब एक तो चीज़ होती है कि कई बार लोगों की पत्री इतनी ज़बरदस्त होती है कि कुछ ना भी करे तब भी चीज़ें हो जाएंगी। कई बार क्या होता है, उनकी पत्री में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें कहते हैं ना, अंतहीन संघर्ष हो जाता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर पैसा आ रहा है तो कहीं ना कहीं बीमारियों में जा रहा है, पैसा आ ही नहीं रहा, प्रॉपर्टीज होने के बावजूद अपना पैसा यूज़ कर नहीं पा रहे। अगर ये सारी चीज़ें हैं, जो जो चीज़ें आज आपको मैं बताने जा रही हूँ, उस चीज़ को आपने फॉलो करना है। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो ऐसे ज़बरदस्त उपाय शेयर करने वाली हूँ। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये है कि आपने 100 ग्राम मिश्री लेना है, 100 ग्राम चावल लेना है और 1.25 मीटर जो होता है वो सफ़ेद कपड़ा ले लेना है। अब उसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें, जो चावल है 100 ग्राम चावल, 100 ग्राम मिश्री जो है वो बांध के अपने सर से 11 बार वार कर आपने थर्सडे वाले दिन इसको प्रवाहित कर देना है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इस चीज़ को आपने कंटिन्यूटी में 11 थर्सडे करना है। अगर आपका एक भी थर्सडे मिस हो गया तो आपको वो दोबारे से शुरू करना पड़ जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब एक चीज़ बता देती हूँ, कई बार लोग क्या करते हैं, उपाय करते हैं लेकिन जो एफर्ट, खुद का एफर्ट होता है वो करते नहीं। आप उपाय कर रहे हो, आप घर बैठे हुए हो, फ़ोन बंद करके काम पर नहीं जा रहे हो, तो ये उपाय काम नहीं करेंगे। देखो, मैंने हमेशा अपने जो दूसरा चैनल है, इनफैक्ट जो फर्स्ट चैनल है शाइना सेठ, उस पर हमेशा एक चीज़ बताई है, कहते हैं ना, कर्म कर रहे हो लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा वो भी ठीक नहीं, भाग्य साथ दे रहा लेकिन कर्म नहीं कर रहे हो तो भी ठीक नहीं। कर्म करना पड़ेगा, बहुत कर्म करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी में अपने जो रेमेडीज है वो चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाकर आपकी चीज़ें सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। अब दूसरी चीज़, जो दूसरा ज़बरदस्त उपाय है वो क्या करना है, एक कटोरी में, ये जो उपाय अब आपको बताने जा रही हूँ ये आपने फ्राइडे के दिन करना है, आपको क्या करना है, एक कटोरी में जल और थोड़ा सा केसर भर के उसके अंदर आपने बादाम डाल देने हैं। 5 बादाम डाल सकते हो, 11 बादाम डाल सकते हो। अब आपने क्या करना है, इसको सुबह अपने पूजा के स्थान पर आपने रख देना है। अब जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, शाम को भी आपने घी का दीपक महालक्ष्मी के आगे जलाना है, वहाँ पर जो मंत्र का उच्चारण करना है वो है ओम श्रीम रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस चीज़ का आपने 108 बार जप करना है। इस केसर के पानी को आपने अपने पूरे घर पे छिड़क देना है और ये जो बादाम है, सारे घर के जितने मेंबर्स हैं उनको एक एक बादाम आपने खिला देना है। ज़बरदस्त वैसे काम करेगा, शुक्रवार को ये आपने करना है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे देती हूँ, जिन्होंने शाइना सेठ के चैनल पे वीडियोस नहीं देखी, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो घर पे कहते हैं ना, जो घर का वास्तु होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा आपको बोला है, जो साउथ ईस्ट एरिया होता है, साउथ ईस्ट एरिया इज द एरिया ऑफ फाइनेंसेस, साउथ ईस्ट एरिया होता है, जो जोन होता है वो रूल करता है धन प्राप्ति को, इनकमिंग फाइनेंसेस को, कैश फ्लो को। अगर तो आपके साउथ ईस्ट एरिया में वाइट कलर है बहुत ख़राब है, ब्लैक कलर है बहुत ख़राब है, ग्रीन कलर है बहुत ख़राब है, तो अपने साउथ ईस्ट एरिया को देख लेना, कहीं पर ये चीज़ें तो नहीं है। एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, वहाँ पर आप एक कमल का फूल भी लगा सकते हो, क्योंकि कमल का फूल कहते हैं ना, महालक्ष्मी को हर एक चिन्ह, हर एक चीज़ें किसी ना किसी शक्ति को सिंबलाइज करती है। तो अगर आप अपने साउथ ईस्ट एरिया में एक कमल का फूल, खिलता कमल का फूल भी लगाते हो, ये बहुत ज़बरदस्त वे से काम करेगा। आज के लिए सिर्फ ये 3 टिप्स हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरा दिल मत तोड़ना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।